अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग है, आज हमने बनाया कीमा आलू और इसको ना मैंने सारे मसाले डाल के कीमा खाती इकट्ठा चढ़ा दिया, इसको कहते हैं इकट्ठा पका। तो देखें ये अभी तकरीबन तैयार होने वाला है, बहुत ही आसान है। इसमें आप कीमा आलू बाद में डालें, कीमा प्याज हर चीज़ लहसुन थोम हरी मिर्च सब डाल दें और इतना अच्छा बनाइए। उसके बाद अच्छे से भून के इसको बंद कर दें, 15-20 मिनट के बाद आपने आलू भी इसके अंदर डाल देने हैं और उसके अंदर ये देखें ये डाल देने हैं उबले हुए ये अंडे, ये देखें अभी बिल्कुल तैयार हो गया ना। जब ये बिल्कुल तैयार हो जाए आप देख रहे हैं भाई घी बिल्कुल ऊपर आ गया है, तो इसमें आपने अंडे डाल देने हैं ये देखें। और जब अंडे ऊपर आ जाएं ये देखें इस पे फिर हरा धनिया आपने डालना है। देखें ये देखें उसके बाद जो प्याज बच गया था थोड़ा सा वो हमने साइड पे रखा हुआ था वो भी ऊपर डाल देना है। देखें अपने खुद अपने हाथों से डालना है आपने, एक गौर से देखें। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है और आज मैंने दूसरी दफा बनाई है लोगों की फरमाइश पे। ये देखें ये और इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं हमारे पास, वो मैं नहीं डालता क्योंकि बाद लोग हरी मिर्च ऊपर से नहीं खाते, वो कहते हैं बहुत तेज हो जाता है, तो मैंने साइड पे रख दी है क्योंकि हमारे साथ जो काम करते हैं हमाद भाई और हुसैन ये हरी मिर्च बहुत खाते हैं, ये किरांची के हैं दोनों और इसलिए इनके लिए ना अलहदा मैंने रखती है मिर्चें। तो उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी बड़ी ही आसान है और बड़ी बनाना भी इसका बहुत आसान है, बस चीज़ें आप सारी प्रेप कर लें और बाकी तो वही मिर्च मसाले हैं, कोई नई चीज़ नहीं डाली आजकल जो यूट्यूब पे चल रहा है। और आज आपने बिल्कुल नीचे से हल्की कर देनी है, बिल्कुल हल्की जैसे दम दे देना है अभी, और ऊपर से आपने इसका पतीला बंद कर देना, ढक्कन बंद कर देना, ढक्कन बंद हो गया। अभी देखें इस तरफ कुछ लोग ना ये वाइट राइस खाते हैं जिसे हमने बासमती राइस साथ बनाए हैं, ये देखें अभी देखते हैं दाम आगे होएगा। ये देख लें अभी बिस्मिल्लाह करें, देखें ये हम हुसैन भाई हैं, ये बड़ा अच्छा खाना पका ना तो बड़े शौक से खाते हैं, अगर नहीं अच्छा होएगा ना नहीं लगेगा तो फिर नहीं खाएंगे, चाहे घर में भी ऐसे ही करते हैं। और ये हरा मसाला हमने सारा ऊपर डाल दिया है, अभी इसके नान के साथ भी खा सकते हैं और बाद लोग ये चावलों के साथ खाते हैं, लेकिन हम लोग इसको तंदूरी रोटी या नान के साथ खाएंगे, पाकिस्तानी नान यहाँ बहुत मिलते हैं, तंदूरी नान और तंदूरी रोटी। तो इसी के साथ आरिफ को दीजिए इजाज़त और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल साइन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल साइन को दबाएंगे तो फिर आप मेरी वीडियो आप तक एकदम पहुंच जाएगी। तो इसी के साथ आरिफ को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज।